सांवरिया को सेठ की पदवी कब मिली? विक्रम संवत 1616 में भगवान ने सेठ बनकर भक्त नरसिंह मेहता की हुंडी को स्वीकारी। द्वारिका में भगवान सेठ बनकर नानीबाई का माहिरा भरा, वो भी सेठ बनकर। तो भगवान सेठ भक्तों के खातिर बने, इसीलिए लोग कहते हैं ये सांवरिया सेठ, सेठों का भी। अब सेठों का सेठ कैसे, जो सुनिए आप लोग, कि जिसकी नीत बिगड़ जाती है, ये भगवान सांवरिया सेठ उनकी नीत को ठीक कर करके, जिसकी नीत बिगड़ी है उसकी नीत को कैसे ठीक करता, जो सुनिए। और कैसे भंडार से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, उसका एक छोटा सा प्रमाण आपके बीच में मैं पेश करने जा रहा हूं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति में 1 करोड़ रुपए डूब गए, बात पे ध्यान चाहूंगा सभी का, किसी व्यक्ति में 1 करोड़ रुपए डूब गए और उस व्यक्ति ने सच्चे दिल से सांवरिया को बोलवा कर दी कि ए सांवरिया सेठ, उस व्यक्ति ने मेरे 1 करोड़ रुपया देने से मना कर दिया, अगर वो व्यक्ति मेरे 1 करोड़ रुपये मुझे देगा तो ए सांवरिया सेठ मैं तेरे भंडार में 10 लाख रुपये डालूंगा। रुपये 1 करोड़, बोलमा 10 लाख की। अब उस 1 करोड़ वाले की मंशा हुई, सांवरिया की कृपा हुई, उसको भी बरकत मिली और उसने चला करके कहा, बॉस तेरे 1 करोड़ रुपये ब्याज समेत देने के लिए आया हूं, तेरे 1 करोड़ रुपये मेरे से लेकर के जमा कर। मित्रों, उसकी नीत बिगड़ी हुई थी, फिर भी उसने 1 करोड़ रुपये चला करके उस व्यक्ति को दिए, उसकी नीत को सुधार करके उसको भी बरकत दी जब वो 1 करोड़ रुपये लेकर के आया। और जब 1 करोड़ रुपये मिल गए तो 10 लाख का हकदार मेरा सांवरिया है, मेरे सांवरिया का भंडार है। वो बड़े मन से, बड़े भाव से, बड़े चाव से सांवरिया के भंडार में 1 करोड़ रुपये के 10 लाख रुपये एक भावना स्वरूप भेंट में डाल रहा है। और एक ताजा चमत्कार बताता हूं, मैं मेरे ऊपर ही बता रहा हूं। अभी इस 12 तारीख की घटना है, मेरे गांव में एक ड्रा खुला, उसमें इनाम था मारुति कार, मेरा भी उसमें नाम, 131 गोटियां। मैंने भी सांवरिया को बोलमा की कि सांवरिया सेठ, गाड़ी का सवाल नहीं है, बात का सवाल है, ये गाड़ी मेरे ही खुलनी चाहिए। मैंने सच्चे दिल से भगवान सांवरिया सेठ को प्रार्थना की, अगर सांवरिया ये गाड़ी मेरे खुल गई तो मैं चाबी हाथ में नहीं लूंगा, 1,21,100 रुपये तेरे भंडार में डालने के बाद चाबी हाथ में लूंगा, गाड़ी मेरे खुलनी चाहिए। अब भावना देखिए, चमत्कार देखिए आप मित्रों, उस डिब्बे को खूब हिलाया, न मालूम मेरी गोटी कहां है। और छोटे से बच्चे को बुलाया, फिर उसका ऑब्जेक्शन हुआ, नहीं इसको नहीं, उसको बुलाओ, फिर उसको बुलाया, फिर उस डिब्बे को और हिलाया। मेरे सांवरिया सेठ ने कैसी कृपा की और ये 12 तारीख को वो कार खुल करके मेरे को मिली और 1 लाख। और ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक भगवान ने जो चमत्कार बताया वो आपको बता रहा हूं, जिसकी नीत बिगड़ जाती है उसकी नीत को सुधारता है। मेरे पास में कुछ मित्र बैठे, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता सांवरिया से, मैंने कहा मेरा सांवरिया अभी मेरे गाड़ी खोलेगा, ये मेरा चैलेंज है, और सांवरिया ने गाड़ी खोल दी। मित्रों, एक भावना की बात है, और जिसकी नीत बिगड़ती है उसकी नीत को सुधारता है, बरकत देता है और बात रखता है। ये भी 12 तारीख की घटना बता रहा हूं, उसी के ऊपर एक प्यारा सा भजन आपके ऊपर पेश कर रहा हूं, जोरदार जयकारा लगाएंगे सभी लोग।
बोलिए सांवरिया से टेक ही साढ़े पांच और आप भी अजमा के देख लेना मेरे सांवरिया को, आपकी बात कहीं नहीं बिगाड़ेगा मेरा सांवरा, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है। तो इस शब्दों पे ध्यान चाहूंगा सभी का, ओ सांवड़ सेठ के दरबार में सब लोगों का खाता, सांवड़ सेठ के दरबार में सब लोगों का खाता, सांवड़ सेठ के दरबार में सब लोगों का खाता, इसीलिए तो सांवरिया, इसीलिए तो सांवरिया।